तो अभी हम यहाँ से निकल लिए हैं भानगढ़ से और सीधा निकल रहे हैं अलवर की तरफ। और आई होप कि आपको भानगढ़ की वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे ही खूबसूरत खूबसूरत वीडियो अपन चैनल पर डालते रहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं बाइक पर, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं नई ब्लॉग। तो जो सुबह जला था वो छाला हो गया था यहाँ पे और काफ़ी मोटा हो गया था। अभी एक भाई थे, उनसे हाथ मिला रहा था मैं, तो उनका हाथ लग गया तो ये फूट गया था। अब ये दोबारा फूलना स्टार्ट हो गया, हो जाएगा सही। भानगढ़ की मेन रोड से निकल के अपन लेफ्ट में टर्न ले लिया है और अपन निकल लिए हैं सीधा अलवर की तरफ। बहुत ही बेहतरीन वादियां, बस खाली थोड़ा सा मौसम ठंडा हो जाए तो मज़ा आ जाए यहाँ पर राइड करने का। क्या बात है, दो रास्ते छट रहे हैं यहाँ से, देखना पड़ेगा अलवर। यस, रोड लगा हुआ है और अलवर यहाँ से है 83, थानागाजी 838, प्रतापगढ़ अजबगढ़ 2558। निकलेंगे पहाड़ों को क्रॉस करते हुए, पहाड़ों से पूरा एरिया घिरा हुआ है। टाइम हो रहा है 1:13, टेम्परेचर 41 डिग्री, थोड़ा सा कम ही होगा 1-2 डिग्री नीचे। आज परमात्मा को पता चल गया कि हम बाइक लेकर निकलो। वाओ ब्यूटीफुल, देखो क्या बात है यार, दोनों तरफ ग्रीनिश और बाइकिंग का ऐसी रोड पर मज़ा अमेजिंग। क्या बात है, क्या व्यू आ रहा है यार, वाह वाह। ये पैच आपको हर जगह मिलेगा, कहीं ना कहीं ऐसे छोटे मोटे पैच आपको जरूर मिलेंगे जहाँ आपको एकदम सुकून का एहसास होता है और ऐसा लगता है कि बस इसी रोड पर चलता रहूं, इसी रोड पर चलता रहूं, इसी रोड पर चलता रहूं, इसी रोड पर चलता रहूं। तो जी, गुरु कृपा किराना स्टोर पर एक पानी का ब्रेक ले लिया है और अब चल दिए हम दोबारा। जूते की हालत खस्ता आज, ओहो वाह वाह क्या बात है, ये एंड तक निकल गया है। ओए भाई राम रच राखा। कौन सी जगह, कोटपुतली 59, थानागाजी 6, पानसू 44, नारायणपुर 21, अलवर 51 किलोमीटर है यहाँ से। थानागाजी क्रॉस किया है हमने और अलवर यहाँ से है 44 किलोमीटर। और वाटर क्रॉसिंग आ गई है, आराम से लेंगे क्योंकि हमारे जूते पहले से ही सिस्टम से आउट हो चुके हैं। केवल स्थानीय पहचान पत्र प्राप्त वाहनों को ही रात्रकालीन प्रवेश दिया जाएगा। मेरे हिसाब से सरिस्का का कोई एरिया होना चाहिए 100%, क्योंकि रात्रिकालीन प्रवेश का तो और कोई रीजन नहीं लग रहा मुझे। वाहन गति सीमा 30 किलोमीटर प्रति घंटा। ये सरिस्का वाला एरिया है इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है, क्योंकि ये टाइगर एरिया है। मजा आ जाए, टाइगर दिख जाए ऊपर से उतरता हुआ टाइगर आ जाए नीचे और हमसे कहते हेलो हाउ आर यू आई एम आल्सो सिंह। अभयारण्य क्षेत्र में प्लास्टिक उत्पाद डालना सख्त मना है, बिल्कुल 100% सही बात है। और फॉलो कर, अपना मेटेरियल संग लेकर वापस जाएं और डस्टबिन में ही डालें। यह लंगूर को केले वगैरह खिला रहे हैं। एक्चुअली मेरे हिसाब से इस तरीके का खाना वगैरह नहीं खिलाना चाहिए जितने भी जंगली जानवर हैं, क्योंकि एक्चुअली क्या है कि अगर आप उनको इस तरीके का खाना खिला के निकलोगे वो इन चीज़ों के हैबिचुअल हो जाते हैं, फिर अगर उनको नहीं मिलेगा तो वो और कुछ खाना पसंद नहीं करते हैं। मैं आपको सही बताऊँ, जो मेरा हैदर है उसको मैं केले खिलाता हूँ सुबह शाम, तो वो अब रोटी वगैरह खाना बिल्कुल अवॉइड कर देता है, खाता ही नहीं है। तो ये एक आदत पड़ जाती है इनको भी, क्योंकि आप आकर बार बार डालोगे नहीं, और इस जगह पर उनको केले रेगुलरली मिल जाए ये बहुत बड़ी बात है। तो ऐसा ना करें, आप उनको देखें, निहारें, आनंद लें और खाना ना डालें, ये ज़्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि भगवान ने उनको इतना दिया हुआ है जंगल में कि वो आपके खाने पर निर्भर नहीं है। तो उनको उनके ही हाल पर रहने दें, उनको उन्हीं के हैबिटेट में जो भी खाना वगैरह वो खाते हैं उन्हें खाने दें, उनकी आदत ना बदलें जिससे उनको आगे चल के दिक्कत आए। सरिस्का टाइगर रिजर्व अलवर आगे जाना है और बहुत ही कौतूहल भरी नज़रों से मेरी बाइक को देखते हुए, भाई मेरी लाड़ू को नज़र मत लगा देना। यस आई गॉट इट, सिली सेड यहीं से जाते हैं। तो जी एक कचौड़ी ब्रेक ले लिया वहाँ पे और ये अलवर की साइड से आ रहा है रास्ता सिली सेड के लिए, ये थानागाजी से आ रहा है रास्ता सिली सेड के लिए, ये तिराया है और अब हम जाएंगे गरवाजी। चलो जी, अब रास्ता ये मैंने पहले देखा हुआ है, ये ज़्यादा बढ़िया रास्ता नहीं है, धीरे धीरे चलाएंगे बाइक को। तो पहले हम गरवाजी जाएंगे, उसके बाद फिर सिली सेड जाएंगे। पहली बार जा रहा हूँ मैं गरवाजी, आप खुद भी देखूँगा और आपको भी दिखाऊँगा। सिंगल रोड है, ट्रैफिक भी काफ़ी रहता है इस पर,
लोकल का भी रहता है, टूरिस्टों का भी रहता है, और रोड बिल्कुल नैरो रोड है, थोड़ा सा ध्यान से चलाने की जरूरत है। यहाँ से श्री शेर 500 मीटर आगे है और इधर हम लेफ्ट साइड में टर्न ले रहे हैं, तो ये जाएगा सीधा गरवाजी, और यहाँ से गरवाजी है 9 किलोमीटर। ये सिलीसेड झील है जिसको हम बाद में एक्सप्लोर करेंगे, और झील के सहारे सहारे हम जा रहे हैं गरवाजी। और एक छोटी सी वाटर क्रॉसिंग, और आराम से निकालेंगे इस वाटर क्रॉसिंग पे, और फिर एक वाटर क्रॉसिंग, और ये अच्छी खासी वाटर क्रॉसिंग है, मजे आ गए। और ये वाटर क्रॉसिंग कंप्लीट, क्या सीना ताने खड़ा हुआ है पहाड़। और गरवाजी यहाँ से है 0.5 किलोमीटर ओनली। लो जी, हम आ गए हैं गरवाजी, और गरवाजी में अभी एंट्रेंस किया है हमने, और सामने इधर देखो ये लंबे चौड़े पहाड़ हैं, और लंगूरों का जमावड़ा है। आगे चल रहे हैं ऊपर, और फिर देखते हैं ऊपर क्या मिलता है। पहली बार आए हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं, आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, कुछ अच्छा तो दिख जाएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आवाज़ आना स्टार्ट हो गई है, और ये काई की आवाज़ आ रही है, शायद ऐसा लग रहा है कुछ पानी गिर रहा है कहीं से। यस, पानी गिर रहा है कहीं से, वहाँ से आवाज़ आ रही है। ये एक्चुअली जब बारिश होती होगी ना दबा के, तो ये सब भरा हुआ चलता होगा। कोई रास्ता नहीं है, सिर्फ इधर पैर रखो उधर पैर रखो, पहाड़ ही पहाड़ है आप देखो। अरे एक छोटू हमारे पीछे आना स्टार्ट हो गया है। छोटू कह रहा मैं आपके संग ही चलूँगा। अब यहाँ का नज़ारा एक बार दिखा देता हूँ घुमा के, फिर ऊपर चलेंगे। इसके राइडिंग शूज़ हैं इसलिए मज़ा ले रहा है ये, और हमारे शूज़ अभी राइडिंग शूज़ नहीं है इसलिए हम मज़े नहीं ले रहे, क्योंकि पानी घुस जाएगा इधर। तो अब झरने के पास चलते हैं अपन, और झरना दिखाते हैं आपको। चलो, राइडिंग शूज़ लोग यहाँ पर नहा धो रहे हैं, और अब मैं यहाँ से एक बार व्यू दिखाऊँगा आपको, ऊपर चलेंगे और एक बार फिर यहाँ से नज़ारा देख लो आप। बात ऐसी है कि यहाँ ऊपर जाना चाहिए कायदे से, तो क्योंकि मंदिर ऊपर है, लेकिन हमारा जूता रहा है फट, मैं वो आपको दिखा देता हूँ। जूता खुल गया है यहाँ से, तो पूरा खुल गया जूता, इस वजह से हम ऊपर नहीं जा रहे हैं। जो वाटरफॉल देख रहे हो वो बहुत शानदार है, ऊपर मंदिर है, ऊपर गरवाजी का मंदिर है, और ऊपर से ही वहाँ से झरना नीचे आ रहा है, काफ़ी शानदार है। लोग आ गए हैं नहा भी रहे हैं, आप देख सकते हो हम नहाने के मूड में नहीं हैं कतई, क्योंकि हम उस हिसाब से कपड़े लेके नहीं आए हैं। तो और बाकी का ये यहाँ पर खूबसूरती है, चारों तरफ पहाड़ से घिरा हुआ है, और ये बता रहे हैं यहाँ पे लोग आए जो लोकल हैं यहाँ के, कि बरसात के टाइम पर तो ये इतना भर के चलता है यहाँ, देखने देखाने लायक जगह होती है। और इस समय आप देख सकते हो मेरे चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ हैं, आप देखो ये सब पहाड़ों से घिरा हुआ है, ये सब पहाड़ों से घिरा हुआ है, ये देखो ये सब पहाड़ों से घिरा हुआ है। तो ये ऊपर से आप देख रहे हो झरना वहाँ से आ रहा है, और खूबसूरती यहाँ कण कण में है, बहुत ही शानदार जगह है, 100% एक्सप्लोर करने लायक जगह है। ऊपर चले जाते हैं, लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हम ऊपर नहीं जा रहे हैं, क्योंकि अभी हम सिलीसेड भी जाएंगे, और बाला फोर्ट जो है अलवर में उसको भी एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे, फिर हमें घर भी पहुंचना है, तो थोड़ा लेट हो जाएंगे, एक दिन में इतना सारा नहीं हो सकता, थोड़ा सा दिखा रहे हैं, फिर किसी दिन स्पेशल एक ब्लॉग बनाएंगे और इस एरिया को फिर कवर करेंगे। तो चलिए अभी थोड़ा बहुत यहाँ पर सिनेमेटिक शॉट वगैरह डालने की कोशिश करता हूँ, आई होप कि आपको पसंद आएंगे। ड्रोन उड़ाने की यहाँ कहीं जगह नहीं है, और हमारे भाई साहब पीछे खड़े हुए हैं। मतलब कहाँ से हो आप? मैं अलवर से। भाई साहब लोकल अलवर से हैं, हम भरतपुर से हैं,
ज्यादा दूर नहीं है, 100 किलोमीटर सही है। आप भरतपुर से? ये भाई साहब भरतपुर से यहाँ नहाने आए। इसको ले लो। ये भैया नहा दो के कपड़े पहनने हो गए ना, इसको ले लो। कोई नहीं, सब इंजॉय कर रहे हैं, चल कर रहे हैं, बढ़िया है, अच्छी जगह है, आना चाहिए, वाटरफॉल में जरूर नहाना चाहिए। सब भाई बंधु नहा रहे हैं अपने, मज़ेदार जगह, बहुत शानदार। चलिए अब सिनेमैटिक शॉट डालने की कोशिश करता हूँ, आप पसंद करना, लाइक। बैठ गए हैं, चिल कर रहे हैं, और हमारे भाई साहब हैं साहिल भाई साहब, ये चलते हुए पानी में पत्थर मार रहे हैं, तो भिगाने की कोशिश कर रहे हैं। तो फल हो रहा है, आवाज आ रही है, पानी की आवाज़ अपने आप में एक मधुर संगीत है, उसका हम आनंद ले रहे हैं। अब हम यहाँ से लौट रहे हैं, और क्योंकि ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, गर्मी भी लग रही है, और ज़्यादा एक्सप्लोर करने के लिए यहाँ जगह नहीं है। ऊपर एक मंदिर है, उसके दर्शन करके आप आना चाहो तो आ सकते हो। अब पता नहीं हम किधर से आए थे और किधर से जा रहे हैं, देखो हम किधर से आए थे, किधर से जा रहे हैं। ऊपर से पत्थर गिर रहा है, अभी एक पत्थर आया है नीचे, डुबो के दम देखा, और कैमरा अगर ख़राब हो गया ना, कहते भैया आप तो कह रहे थे वाटरप्रूफ है, मेरे गोप्रो कहती है वाटरप्रूफ है, मैं नहीं कह रहा हूँ। गर्मी बहुत ज़्यादा है, और अब निकलने की तैयारी कर रहे हैं, और सीधा फिर मिलता हूँ बाइक पे। उतर के नीचे आ गए हैं, और जहाँ थड़ी पर हमने अपने हेलमेट वगैरह रखे थे, वहाँ पर चाय बनवा ली है, चाय पी लेते हैं, फिर जाएंगे बाइक पर, क्योंकि अब सिली सेड पर हो सकता है चाय पिए नहीं पिए क्या है, सिली सेड पर ज़्यादा कुछ है नहीं दिखाने के लिए, लेकिन हाँ एक झील है, उसको एक्सप्लोर करेंगे। बोतल का ब्रांड देख लो, बिरसैली नहीं मिल रही, बिरसैली मिल रही है। मैं एक बोतल होल्डर आता है मंगाऊँगा, बाइक पर लगाऊँगा, प्रॉपर जगह से पानी खरीदो, अपनी बोतल को रिफिल करो, और फिर अब की बार ऐसे चला रहे, अगली बार से बोतल होल्डर लग जाएगा हमारी बाइक पे। पकोड़े मंगा लिए, पकोड़े खा के फिर निकलेंगे, क्योंकि भूख लग रही है, रोटी खाई नहीं आज, कभी कचौड़ी खा लेते, कभी पकौड़ी, और मेरा तो फंडा एक ही है, जब तक रोटी नहीं मिलती है तो भूख जा खिलाते रहो, और धीरे 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 कोई दिक्कत नहीं है। शायद से कह रहा हूँ आज आ जाए, नहीं ब्लॉग में नहीं आएगा, जो मत कियो, बड़ा यूट्यूबर हो गया है मैं, आया चुपचाप बगल में दोनों चीज, ये भाई साहब की परचेजिंग पूरी नहीं हो रही है, भाई साहब बगल में खरीद रहे हैं कुछ ना कुछ। और हम गरवाजी से निकल लिए हैं, और अब चल रहे हैं सिली सेड, ये देख लो एक बार गरवाजी के दर्शन, बहुत ही शानदार ब्यूटीफुल नज़ारे, बिल्कुल ग्रीनिश एरिया। राम साहब भैया जी, तो अब हम पहुंच रहे हैं सिरी सेड, इसके नज़ारे अब आपको हम दिखाएंगे, अपन को ऊपर ही खड़ी करनी पड़ेगी। लो जी, तो हम आ गए हैं सिली सेड, और यहाँ की खूबसूरती वास्तव में देखने लायक है, क्योंकि ये आपको देखकर ही मज़ा आएगा, बताऊँ क्या शब्दों में। तो एक बार मैं बैक करके कैमरा फिर दिखाता हूँ, और फिर देख रहा हूँ आपको क्या खूबसूरती और क्या जगह है। चारों तरफ पहाड़ों से घिरी हुई झील है, ये काफ़ी गहरी लेक है, आप यहाँ पर वोटिंग वगैरह भी कर सकते हैं। एक्चुअली क्या, वोटिंग मैं पहले यहाँ कर चुका हूँ, तो अब की बार वोटिंग करने के बिल्कुल मूड में नहीं हूँ मैं, सिर्फ आपको दिखाना है कि आप यहाँ आ सकते हैं। अलवर में है ये सिली सेड, अब कोशिश करते हैं ड्रोन उड़ाने की, और ड्रोन से एक ड्रोन शॉट दिखाता हूँ मैं। बाकी इस झील के अलावा यहाँ कुछ नहीं है देखने के लिए, ऊपर एक होटल बना हुआ है, वहाँ पर वहाँ जाके आप चाय कॉफ़ी पी सकते हैं, और नीचे वोटिंग कर सकते हैं। तो सिर्फ यही है यहाँ पर दिखाने के लिए, लुक बहुत शानदार है, एक बार कैमरे से दिखाते हैं, फिर ड्रोन से दिखाते हैं। तो एक बार चलते हैं ड्रोन शॉट लेने की कोशिश करते हैं।
उठा लिया हिम्मत करके, क्योंकि हवा बहुत तेज थी। आई होप कि ड्रोन शॉट आपको पसंद आए होंगे। हवा काफ़ी तेज थी, कोशिश की, ज़्यादा दूर जा नहीं सकते इसको लेके, क्योंकि फिर पानी अगर गिर गया तो नमस्ते हो जाती। तो आई होप कि आपको ड्रोन शॉट पसंद आए होंगे। अभी चाय पीते हैं और फिर सीधा किसी एक नॉन है, इसके साहिल के रिलेटिव हैं, उनसे मिलके और सीधा निकलते हैं अपने घर की ओर भरतपुर। लो जी, अब यहाँ हो गई ये भीड़ जमा और अब हम निकल रहे हैं अपने घर की तरफ, क्योंकि बाला फोर्ट हो नहीं पाएगा। एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है शाम को 5 बजे बाद वो बंद भी हो जाता है। एक्चुअली फोर्ट वगैरह होते हैं, इनमें 5 बजे बाद एंट्री नहीं रहती है, और पहाड़ों पर इतने शानदार बादल हो रहे हैं। चलिए बाला फोर्ट को फिर कभी करेंगे दोबारा, और कोशिश करेंगे एक बार फिर आने की। हम अलवर की सड़कों पर घूम रहे हैं, चलिए जी। तो फिर हम निकल लिए हैं अलवर की कुंज गलियों को अलविदा कहते हुए भरतपुर की तरफ। अलवर सिटी में बॉर्डर क्रॉसिंग देख लो आप। आज हमें साहिल भाई यहाँ लेके आए हैं नमकीन प्याज पेटीज, बटर नमकीन प्याज, क्रीम नमकीन प्याज, मस्टर्ड पेटीज, पनीर पेटीज, चीज बटर पनीर पेटीज, दुनिया भर की पेटीज हैं यहाँ। तो साहिल पे ही छोड़ देते हैं, जो खिलाएगा वो खा लेंगे, ये खाते हैं फिर निकलते हैं। लो जी, अंधेरा हो गया और अभी हो रहा है टाइम 7:30, और मैप हमने लगा दिया है और यहाँ से निकल रहे हैं।